अस्सलामुअलैकुम मम्मी जायका में आपका स्वागत है। मैदे की पट्टी के समोसे तो आपने बहुत बार खाए होंगे। आज हमने ब्रेड की सीट के एक नए और बहुत ज़्यादा टेस्टी समोसे बनाए हैं। इन्हें बनाने के बाद आप इसे रोज़ बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। पास ही में बेल आइकॉन का बटन है, उसे दबाएं ताकि मेरी रेसिपी की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट समोसे बनाने के लिए ये हमने एक पैन लिया है। पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लगभग एक टेबल स्पून ही डालें। ऑयल को हमें बराबर से फैला लेना है। क्वार्टर टी स्पून हींग ऐड करेंगे, एक टी स्पून अखा धनिया, एक टी स्पून जीरा और एक टीस्पून सौंफ डालेंगे। इन सारे मसालों को हमें अच्छे से तड़का लेना है। समोसे के अंदर इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, लेकिन इसको बराबर तड़काना ज़रूरी है। मसालों में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, अच्छे से तड़क गए। अब हम इसके अंदर एक टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, दो हरी मिर्च बारीक काट लिए ये डालेंगे, ये हमने आधा कप उबले हुए मटर लिए ये डालेंगे। मटर को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, अब हम इसके अंदर चार पांच उबले हुए आलू डालेंगे। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक बड़ा चम्मच फुल भर के हमने धनिया पाउडर लिया, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक लें, हाफ टेबल स्पून हमने अमचूर पाउडर लिया, आप चाहें तो नींबू के फूल भी डाल सकते हैं, और एक टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी ली है। इन सबको हमें बराबर से मिक्स कर लेना है और दो तीन मिनट के लिए अच्छे से पका लेना। आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिला के एक दो मिनट के लिए पका लिया है। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिला लेना है। ये समोसे की बेसिक स्टफिंग तैयार हो गई है। आप चाहें तो इससे मैदे के समोसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम अगले स्टेप की तरह चलते हैं। ये हमने चार चम्मच मैदा लिया है, मैदे की लई या मैदे का गूंद तैयार कर लेते हैं। मैदे को हमने छान के लिया, इसके अंदर आधा कप के लगभग पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते जाएं ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े। चार चम्मच मैदे के अंदर हमने लगभग पौना कप पानी ऐड करा, इसका पतला घोल तैयार कर लिया। ये देखिए, ये हमने ब्रेड के समोसों को चिपकाने के लिए लिया है। आज हम ब्रेड के समोसों को ब्राउन ब्रेड से बनाएंगे। आप चाहें तो सैंडविच ब्रेड या वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने ब्राउन वाली ब्रेड ली है। सबसे पहले इसके किनारों को काट लेंगे। समोसे जैसा बनाने के लिए हम चारों कोने में से थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही कट करना है। ये हमारी समोसा सीट तैयार है। ये जो ब्रेड की किनारी है, आप इसे फेंके नहीं, आप इसके पोहे बना सकते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और बिल्कुल पोहे जैसे प्रोसेस से आप इसे बना लें। आप चाहें तो इसकी फ्रेंच फ्राई बना सकते हैं या फिर बेसन के घोल में डीप करके आप इसकी ब्रेड फिंगर भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इस ब्रेड को हम हल्का हल्का बेल लेंगे। ये देखिए, हमने इसको हल्का सा बेल लिया। सारे ब्रेड्स को हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये हमने ब्रेड्स को अच्छे से बेल लिया है, इसकी एक सीट तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसमें से दो भाग करके और दो मिनी समोसे भी बना सकते हैं। मैं इसका अच्छी सीट ले रही हूँ। ब्रेड के ये जो तिकोना भाग है, यहाँ पर हम लेई लगाएंगे। मैदे की जो हमने लेई तैयार करी थी वो लगाएंगे।
अब हम ये बीच वाला भाग है, यहाँ पर इस तरह से उंगली रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और दूसरे भाग को इस तरीके से उठाएंगे, बिल्कुल हमें कौन जैसा शेप देना है, और यहाँ से पहले अच्छे से चिपका दें, ये देखिए इस तरीके से चिपकाए, और फिर यहाँ से चिपकाए। अब हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग भरेंगे, इस तरह से हाथ से दबा दें, और ये भाग है, यहाँ पर भी हम लेई लगाएंगे, अच्छे से लेई लगानी है। अब हम इसको इस तरह से चिपका देंगे, सारे कोने अच्छे से बंद होने चाहिए। आप चाहें तो इस तरह से रख के और हल्के हल्के यहाँ से शेप भी दे सकते हैं, जैसे समोसे होते हैं उस तरह का शेप दे सकते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे समोसों को तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने सारे ब्रेड के समोसों को बना लिया है। इनको हम सूखने के लिए 5 मिनट के लिए रखेंगे। अब मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ, ब्रेड के समोसे आप हमेशा उसी दिन की ताज़ी ब्रेड के बनाएं। ये देखिए एक दिन पुरानी यानी कल की ब्रेड है, इससे ब्रेड इस तरह से फट सकती है। आप देख सकते हैं कितनी खरबचरी बनी है, जगह जगह से ये फट गई है। ये हमने मिनी समोसा बनाया। अगर आपकी ब्रेड फट जाती हो तो आप इसको मैदे के घोल में डीप करके फ्राई कर सकते हैं। समोसों को सूखते हुए 5 मिनट हो गए हैं। एक पैन के अंदर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। समोसों को इसके अंदर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे उलट पलट के इनको फ्राई करना है। समोसों पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, हमें बस ऐसा ही कलर चाहिए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं दिखने में कितने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखना गैस का फ्लेम मीडियम से स्लो ही होना चाहिए, हाई फ्लेम पे ये कच्चे रह जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। ये देखिए हमने सारे ब्रेड के क्रिस्पी समोसों को बना लिया है। ये हमने मिनी समोसा भी बनाया है, आप भी इस तरीके से दो भाग करके मिनी समोसे भी बना सकते हैं। ये समोसे कितने ज़्यादा क्रिस्पी है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये हमने जो चटनी बनाई थी इसके अंदर इस तरह से डीप करके खाए, आपको बहुत मज़े की रेसिपी लगेगी ये। मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक करें, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।